हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए चलते हैं, फिर से एक बार दिल पे हाथ रख के बोलते हैं सब मस्त है ब्रो। तो गाइस आज हम लोग चल रहे हैं पैदल अपने गांव के आश्रम है, तो आश्रम पे हम लोग पैदल ही चल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, चलते चलते कुछ ब्लॉग में सीन दिखाऊंगा अगल बगल का। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस हमारे सामने एक मशीन आ रहा है कि इसको हमारे यहाँ बोला जाता है बुलडोजर बाबा और मुन्नी। तो गाइस यार हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, एक भैया आ रहे हैं उनके साथ हुआ है, ये होता है तो बहुत दुख होता है भाई। इसीलिए हम बोलता हूँ कि 150 10 20 का बेसी तेल भरा लिया करो, नहीं तो लेख दो लोग पैदल ढकेलेंगे। एक लोग आएंगे देख सकते हमारे आ रहे हैं, दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और कुछ ही आगे है, अभी कुछ दूर है जैसे देख। गाइस यार यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे काफी सारा मंदिर है, दो तीन बना है आश्रम पे। यहाँ पे बहुत मतलब इधर दूर दूर तक कोई रहता नहीं है ना, तो बस आश्रम दूर बहुत है, हम लोग घर से 5 किलोमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पर घूमने आए तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा मंदिर, तो आइए आप लोग को दिखाते हैं मंदिर। तो ये शंकर भगवान का मंदिर है, देख सकते हैं उसमें हम लोग गए थे और वहाँ पे बाबा रहते हैं आश्रम है वो, इसके अंदर भी बहुत बड़ा है। और ये बजरंग वाली का मंदिर है। तो गाइस कल का प्लान हम लोग का है सारनाथ का, हम लोग भी सोच रहे हैं सैटरडे आज भी भाई, अरे मंडे को, सॉरी भाई मंडे को, मंडे का हम लोग का प्लान है सारनाथ का भाई। हम लोग सोच रहे हैं इस बार हम बनाएंगे ब्लॉग, अब पुण्य जाएगा आपको। हम लोग सोच रहे हैं सारनाथ में जमीन ले रहे भाई, वहाँ पे अच्छा रहेंगे तो हमेशा ब्लॉग बनाते रहेंगे, यहाँ से रोज जाना पड़ता है आना पड़ता है। और एक बार हम लोग का मुनारी में एक पैर लोग रहेगा सारनाथ में, और बीच वाले तो मजा लेंगे मगर हुआ वाले भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई। यार हम सोच रहा हूँ कि ब्लॉग यहीं पे एंड करूँ, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत ब्रो, कोई अगला कंटेंट नया सोच के मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।